उसके बाद में हमने उसकी वर्किंग करवाई थी माइक्रोस्कोप की, जी और फिर मैम साइटोकेमिस्ट्री। हाँ सबका हो गया ज्वाइन? नेहा का रहता अभी भी, उसका नहीं हो रहा होगा? माइक्रोस्कोपी में क्या था, डेफिनेशन क्या थी इसकी? बोलो बच्चे। द लाइट द लाइट माइक्रोस्कोप इज माइक्रोस्कोप यूज्ड यूज फॉर ऑफ सोर्स ऑफ एलिमिनेशन मैम। इट वेरी इज इमेक्ट गुड। बाय नोट्स बनाए साथ साथ में, लर्निंग की आपने? मैम, इसके पार्ट्स भी हैं। हाँ जी। बेस, रिफ्लेक्ट, कंपाउंड ऑप्टिकल के आगे पार्ट है, हाँ जी, बेस और फुट। वेरी गुड। आर्म, स्टेज, हाँ बॉडी जी। ट्यूब, लेंस, हाँ आईपीस, आईपीस कंडेंसर। कंडेंसर। नेक्स्ट साइटोकेमिस्ट्री, व्हाट इज द दिस ब्रांच ऑफ साइटोकेमिस्ट्री? स्टडी, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ सेल एंड सेल कंपोनेंट्स, लोकेशन ऑफ केमिकल्स एंड एंजाइम इज कॉल्ड साइटोकेमिस्ट्री। इज वेरी गुड। नेक्स्ट डिवाइड इसके, इन टू पार्ट, ट्रांसमिशन हाँ जी हाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग जी इलेक्ट्रोमेट माइक्रोस्कोप। हाँ। स्कैनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, शॉर्ट फॉर्म टैम, एस फॉर सैम, एस ई एस ई एम एम। ठीक है, अभी पता चल गया इसका। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो नेक्स्ट यूनिट करवा रही है, इसमें भी दोनों आएंगे भी। ठीक है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अभी करवा दूँ आज नेक्स्ट यूनिट? यस मैम, यस मैम। करवा दो। यस मैम, अभी सारे यस स्टूडेंट्स मैम, प्रेजेंट हो गए हैं? अभी नो अभी मैम, तो नहीं हुआ मैम। अनीता, अतुल, बाबू, कोमल, मनिंदर, यस एमजे, मैम, आरोक, यस नितिका, मैम, नीतीश, पूजा, प्रीति, यस मैम, आसिफ, सुजेता कुमारी, सुष्मिता, यस मैम, उज्मा, जेहिन। अभी कौन यस रेबसेंट है मैम, अभी? हाँ मैम, सचिन, सचिन, पूजा, पूनम, सचिन, पूनम, पूजा। आमिर, अरफत, हाँ, ये अभी तक क्यों नहीं प्रेजेंट हुए? क्लास का टाइम हो गया, फिर मैंने स्टार्ट करवा दिया, फिर इनको आएगा नहीं कुछ भी समझ। आ रही है आवाज मेरी स्टूडेंट्स? यस मैम, यस मैम, ठीक है मैं, हाँ, यस मैम, सेकेंड यूनिट आपका करवा रही हूँ। ठीक है, फ्लूइड मियोसिक मॉडल, टाइट फंक्शन। ठीक है, सेकेंड यूनिट है आपका, उसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट डाउसन एंड डैनियल्स प्रपोज द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाई लेयर्स डैट आर कोटेड ऑफ बोथ लाइड्स विद थिन शीट ऑफ प्रोटीन। द ओरिजिनल मॉडल वाज इन एसेंशियल ऑफ लिपिड प्रोटीन। ठीक है, जे अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के दी गई है, डाउसन, DOVSON, डाउसन एंड DANNEILE। ठीक है, इसने क्या कहा कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? हमारे लिपिड बाय लेयर्स की। ठीक है, जो किसके साथ कोटेड होती है? दो स्लाइड के साथ, जो किसकी किसके किसकी होती है? थिन शीट ऑफ प्रोटीन की। ठीक है, किसकी बनी होती है? जो पतली शीट होती है प्रोटीन के, उसके साथ जो कोटेड हुई होती है दोनों स्लाइड्स। ठीक है, बोथ स्लाइड्स विद थिन शीट ऑफ
प्रोटीन, ठीक है, इसको बोलते हैं जे है क्या है, ओरिजिनल मॉडल है, वॉज इन असेंस ऑफ लिपोप्रोटीन का, क्लियर। उसने बोला था कि जे एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो हमारा कंसिस्ट हुई है लिपिड बायलेयर से, ठीक है, जो कोट हुई हुई है दोनों स्लाइड से किसे, थिन शीट ऑफ प्रोटीन के साथ, क्लियर। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एक बार सैंड, रिपीट करना मैम। हाँ, डॉसन एंड डैनियल ने क्या प्रपोज किया कि ये एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो कंसिस्ट है किसे, लिपिड बायोलेयर्स, लिपिड की दो लेयर से है, ठीक है, उसे वो कोटेड हुई हुई है, दो लेयर्स बनी हुई हैं जो कवर हुई हुई है, ठीक है, दोनों स्लाइड से, कौन सी स्लाइड है, दोनों स्लाइड जो किसकी बनी होती है, विद थिन शीट ऑफ प्रोटीन की, ठीक है, जो दोनों स्लाइड कवर हुई हुई है ना वो किसकी बनी हुई है, बिल्कुल थिन शीट ऑफ प्रोटीन की, क्लियर, लिपर प्रोटीन की, कह सकते हैं जो प्रोटीन्स के साथ है, क्लियर। यस मैम। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सैंडविच, ठीक है, एस ए एंड डी सैंड डब्ल्यू आई टी सी एच विच, सैंडविच, ठीक है, टू एक्सप्लेन द शॉर्टकमिंग ऑफ, अकॉर्डिंग टू वो ही साइंटिस्ट है जो कह रहे हैं, उन्हें की एक्सप्लेन किया कि नेक्स्ट आने वाला शॉर्टकमिंग ऑफ डॉबलिंस एंड डैनियल्स मॉडल, जोनल सिंगर एंड, ये नहीं आपको समझ नहीं आएगा इसमें मैं पढ़ा रही हूँ, शॉर्ट कर देती हूँ फिर मैं नोट्स भेज दूंगी तभी समझ आ जाएगा, ठीक है, तो कहता है कि टू एक्सप्लेन द शॉर्टकमिंग ऑफ डॉबलिंस ने जो डैनियल्स ने कहा था, उसने ये डिस्कवर किया था जो फ्लूइड मियोसिक मॉडल है, फॉर्म एन इमेज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डेट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन देयर फॉर सैंपल प्रिपेयर फ्रॉम ए टीईएम, टीईएम क्या था, ट्रांसमिशन दस हाँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रो माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप, बस इसमें वही आ रहा है कि उसने ये कहा कि जो डॉबलिंस क्या था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, डॉसन्स एंड डैनियल्स, उन्हें ये एक्सप्लेन किया था शॉर्ट फॉर्म में कि जो ये इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये मैंने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन है, माइक्रोस्कोप है ना, यही आएगा इसमें, इसके बीच है, जो पीछे पढ़ाया था ना आपको पिछले चैप्टर में, वो यस ही मैम। एक्सप्लेन कर रहा है ये कि इमेज होती है उसकी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डैट जो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द स्पेसिमन थ्रू ए सैंपल प्रिपेयर फ्रॉम टीईएम मस्ट बी एक्सट्रीमली थिन एंड इंटीग्रेटेड विद सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल विच प्रोटेक्ट टिश्यू इनहांस इन द कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, और नेक्स्ट इसका सीईएम सैम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो मैंने पीछे करवाया वो ही सेम है, टीईएम इसमें वो एक्सप्लेन करना सेकंड वाली डेफिनेशन में, ठीक है, जो सैंडविच ने एक्सप्लेन की थी, सैम ये आएगा टीईएम, ठीक है, और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसने इसके अकॉर्डिंग ही वो डेफिनेशन पहले मैंने कल ही आपको क्लियर करवा दी थी, आज दोबारा क्यों रिपीट करवानी, समझ आया ना, इसकी पहले ही करवाई थी मैंने कल ली, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, इट इज हाँ थिन हाँ माइक्रोस्कोप। हाँ वेरी गुड, नेक्स्ट इसमें एक इमेज बनी होती है इलेक्ट्रॉन की जो जो ट्रांस स्पेसिमन, ठीक है, पढ़ा नहीं है आपने कल, ये मैंने पढ़ाया था साइटोकेमिस्ट्री के अंदर, दो जे होते हैं, अभी मैं पहले रिपीट आके भी गई हूँ, साइटोकेमिस्ट्री, व्हाट इज अ साइटोकेमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ सेल एंड सेल हाँ कंपोनेंट। और वेरी मैम गुड, लोकेशन लोकेशन ऑफ केमिकल एंड हाँ जी, एंजाइम इज कॉल्ड साइटोकेमिस्ट्री। और हाँ वेरी गुड, इसके अंदर टू मैम पार्ट डिवाइड थे, यस मैम हाँ ट्रांसमिशन हाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ ठीक है, दोनों, ठीक है, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके अंदर ही आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, थ्री पार्ट्स में, ठीक है, इंस्टिंक्टिव जिसमें आएगा फर्स्ट पॉइंट आएगा इंट्रागुलर, INTEGRAL, इंट्रागुलर, सेकंड पॉइंट इसका पेरिफिलर प्रोटीन, ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट है लिपिड एंड एनक्रोड प्रोटीन्स,
ये अलग पॉइंट है, टू पॉइंट है इसके, ठीक है। इंस्ट्रिक्टिव इंट्रागुलर, सेकेंड पॉइंट इज पेरिफेरल प्रोटीन। इंट्रागुलर क्या होता है, दीज आर, जे इसके अंडर ही बता रही हूँ मैं, सैम के अंडर ही, ठीक है। सैम के आगे ये जे पार्ट दो डिवाइड होंगे, इंस्ट्रिक्टिव जिसके अंडर आएगा इंटरगल, एंड सेकेंड पॉइंट आएगा पेरिफिलर प्रोटीन। क्लियर है, यस मैम, आवाज आ रही है ना बच्चे आपको? यस मैम, ठीक है, फर्स्ट यस पॉइंट है मैम, इंटरगल, क्या होता है, दीज आर इम्बेडेड डीपली इन द लिपिड बायलेबर, बायलेबर बायलेयर्स, ठीक है। इम्बेडेड क्या होता, ई एम बी ई डबल डी ई डी, इम्बेडेड डीपली इन द लिपिड बायलेबर बायलेयर्स। क्या होता है इम्बेडेड डीपली के, जोड़ना हैं क्या जोड़ना बोल, डीपली डी डबल ई पी एल वाई, गहराई से। हाँ वो जे, ये क्या होता है, दीज आर एम्बेडेड मतलब जे डीपली इंसर्ट होता है, एम्बेडेड मीन इंसर्ट जा शामिल होता है नीचे तक पूरा, ठीक है। दीज आर एम्बेडेड डीपली इन द लिपिड बाय लेबर के, जे डीपली इंसर्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वेयर दे आर हेल्ड इन द प्लेस बाय द इन्फिनिटी ऑफ द हाइड्रोफोबिक सेगमेंट ऑफ द प्रोटीन्स, फोर हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ लिपिड बाय लेयर्स। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक सेगमेंट्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो सॉल्वेंट, जेडे मीन्स के अमाइनो एसिड, सुने आपने, जो अमाइनो एसिड होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक सेगमेंट्स, ठीक है, जो कन्वर्ट होते हैं सॉल्वेंट इनटू दी अमाइनो एसिड में, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट दोबारा सुनो, एक बार रिपीट कर रही हूँ, इंटरगल क्या है, दीज आर एम्बेडेड डीपली इन द लिपिड बायलेबर में, क्या होते हैं, डीपली इंसर्टेड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वेयर दे आर हेल्ड इन द प्लेस बाय द इन्फिनिटी ऑफ हाइड्रोफोबिक सेगमेंट होते हैं। सवाद आसुन, ठीक है, वेयर देर आर हेल्ड इन द प्लेस बाय द इन्फिनिटी ऑफ द हाइड्रोफोबिक सेगमेंट ऑफ द प्रोटीन, जे अमाइनो एसिड के जो, जहाँ हाइड्रोफोबिक के जो सेगमेंट होते हैं ऑफ प्रोटीन के, उसके साथ जे क्या होता है, प्लेस आउट होता है, ठीक है। क्या, लिपो लिपिड बाय लेयर्स जो होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, डीपली इम्बेडेड होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, हेल्ड द प्लेस बाय द इन्फिनिटी ऑफ द हाइड्रोफोबिक सेगमेंट ऑफ द प्रोटीन्स, फोर हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ द लिपिड बाय लेयर्स, ठीक है। ये आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। ये थोड़ी टफ तो है इस टाइम पे ये आपको समझना, बट आप जब जब नोट्स बनाते जाओगे, धीरे धीरे आप समझते जाओगे, आपको समझ लगता जाएगा। क्लियर, यस मैम, सेकेंड पॉइंट है इसका पेरिफिलर प्रोटीन, ठीक है। देयर आर मच मोर हाइड्रोफिलिक एंड देयर फोर लिकेट ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जे क्या होता है, कहते का जे दे आर द मोर, इसमें हाइड्रोफिलिक एंड देयर फोर लिकेट होते हैं सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, जो सरफेस होती है हमारी मेम्ब्रेन उसमें होते हैं क्या, हाइड्रोफिलिक सेगमेंट जो होते हैं, हाइड्रोफिलिक सेगमेंट्स मीन्स अमाइनो एसिड जो होते हैं, ठीक है वो, ठीक है। देयर आर द मोर हाइड्रोफिलिक एंड देयर फोर लोकेट ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये कहाँ पे होते हैं लोकेटेड, सरफेस, जो सरफेस होती है मेम्ब्रेन की उसमें लोकेटेड होते हैं, ये वहाँ पे होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। वेयर देयर आर द लिंक नॉन कोवेलेंटली टू पोलर हेड ग्रुप ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। और इनका लिंक जो होता है हमारे जो पोलर हेड ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स को, उसमें होता है उसका लिंक, ठीक है, इसका पेरिफिलर प्रोटीन का। क्लियर, थोड़ा टफ लग रहा है जी आपको, कि इजी लग रहा, यस ठीक है, मैम, समझ आ गया, थोड़ा सा टफ टफ लग रहा है लगा। बच्चे थोड़ा थोड़ा, ये ना अभी ऑनलाइन क्लासेस है, अभी होता तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे से बता देती, बोर्ड पे भी आप साथ साथ में जो मैं बोल रही हूँ ना हिंट लिखी जाओ, और मैं नोट्स भेज दूंगी, आज ही भेज दूंगी, कि आपको समझ लग जाए इसकी क्या है क्या है इसमें, ठीक है। मैंने अभी बच्चे दो पॉइंट ही एक्सप्लेन किए हैं,
ठीक है, सैम के अंडर जो पॉइंट आ रहे हैं दो, इंस्ट्रिक्टिव, उसके अंडर आ रहे हैं फिर दो पॉइंट, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, INTEGRAL, इंटीग्रल मीन्स क्या होता है, दीज आर इम्बेडेड डीपली इन द लिपिड बायलेयर्स। ठीक है, जो डीपली मतलब इम्बेडेड होते हैं बायलेयर, लिपिड्स बायलेयर के अंदर डीपली शामिल हो जाते हैं, मीन्स इंसर्टेड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वेयर दे आर हेल्ड इन द प्लेस बाय द इन्फिनिटी ऑफ हाइड्रोफिबिक सेगमेंट्स होते हैं, कि हाइड्रोफिबिक सेगमेंट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, हाइड्रोफिलिक एक सेगमेंट होते हैं प्रोटीन्स के जो लिपिड की बाय लेयर्स के साथ बने होते हैं। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले वो डीपली इम्पैक्ट होते हैं लिपिड बाय लेयर में, फिर वो आ जाते हैं कहाँ पे, एक हाइड्रोफिलिक सेगमेंट्स में। ठीक है, फिर बाद में वो एक लिपिड बाय लेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर, जो हाइड्रोफिबिक सेगमेंट है वो आगे नेक्स्ट कन्वर्ट टू लिपिड बाय लेयर्स में। सेकेंड पॉइंट है उसका पेरिफेरल प्रोटीन, देयर आर द मच मोर हाइड्रोफिलिक एंड देयर फोलिकेट ऑन द सर्फेस ऑफ मेम्ब्रेन्स। जो हाइड्रोफिलिक कहते हैं, इसमें जो हाइड्रोफिलिक सेगमेंट होते हैं वो कहाँ पे लोकेट होते हैं, प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, मेम्ब्रेन सर्फेस ऑफ, जो मेम्ब्रेन होती है ना प्रोटीन्स की। ठीक है, उसके में सरफेस में होते हैं ये। क्लियर, यहाँ पे इसका लिंक कहाँ पे होता है, नॉन कोवेलेंटली टू पोलर हेड। बस इतना ही बड़ा आपके लिए कि ये कहाँ पे लोकेट होते हैं, देयर आर द मच मोर हाइड्रोफिलिक एंड देयर फोर लोकेट ऑन द सर्फेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, दे आर मच मोर जे हाइड्रोफिलिक होते हैं एंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चे, सरफेस ऑफ फेस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ठीक है, बस इतना ही बहुत है आपके लिए कि जो पेरिफेरल प्रोटीन है उसमें क्या होता है जी, एक हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन है, सेगमेंट है, जलगा लो ये कहाँ पे लोकेट होते हैं, हमारी सरफेस ऑफ सरफेस ऑन दी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। ठीक है, बस इतना ही बहुत है आपके लिए जो आपको इजी समझ आ जाए। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ फंक्शंस क्या है सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, फर्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन इज आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन की एक बाहरी लेयर है कह सकते हैं। ठीक है, आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, सेल के बाहर वाली साइड जड़ी हुंदी है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है, ये प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी एंड कंटेमिनेज। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को, जो एक्सटर्नल बाहरी जो कोई इंजरी होनी होती है उससे वो प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर, थर्ड पॉइंट क्या है, एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्लियर, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शंस क्या क्या है, जे सेल मेम्ब्रेन इज आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली साइड को कवर करके रखती है, जो प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी होने से प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, सेव करके रखती है सेल मेम्ब्रेन। पानी और शायद से नेक्स्ट, निकल गया। हाँ जी, वो थर्ड पॉइंट है इसका ये है, इट इज ए सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्लियर, इसके थ्री फंक्शंस है, फर्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी से, एंड थर्ड पॉइंट है कि ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्लियर, द इनटेक ऑफ मटीरियल बाय द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, ENDOCYTOSS, एंडोसाइटोसिस की कहते हैं, एंडोसाइटोसिस किसको बोलते हैं, इसके अंडर ही बोल रही हूँ मैं। ठीक है, द इनटेक ऑफ मटेरियल, जो मतलब कि मटेरियल होता सेल का इनटेक कर लेते हैं मतलब खा लेते हैं, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस बच्चे क्या होता है, द इनटेक ऑफ मटीरियल बाय द सेल, मतलब जो सेल्स से मटीरियल जो होता है वो इनहेल कर ले लेते हैं, खा लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्लियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स के, नहीं एंडोसाइटोसिस स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है?
यस मैम। हाँ जी बताओ मुझे, एंडोसाइटोसिस क्लियर हुआ कि नहीं? मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूँ? मैम रिपीट कर दो, हाँ सुनो। दोबारा हाँ जी रिपीट कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी बच्चे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एंडोसाइटोसिस, ई एन डी एंड ओ सी वाई टी ओ ड एस आई एस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? द इनटेक ऑफ मटीरियल बाय द सेल। अब असी सेल की गल कर रही हूँ मैं, ठीक है? सेल के बारे बता रही हूँ, क्या क्या होता है सेल में। पहले सबसे पहले मैंने उसके फंक्शन बताए, ठीक है? उसका काम क्या है, ठीक है? सेल का, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, मैंने पहले वो बताया। फंक्शंस बताए उसके क्या क्या होते हैं, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट उसका मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन इज आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है सेल की, ठीक है? बाहरली लेयर है जो सेल मेम्ब्रेन होती है। और दूसरा ये क्या काम करती है कि ये प्रोटेक्ट करती है सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी से। जो बाहरली इंजरी कोई होती है वहां से सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। और हाँ, इसमें और मैंने बताया था एंडोसाइटोसिस क्या होता है। द इनटेक ऑफ मटेरियल बाय द सेल। जो सेल के अंदर द मटेरियल होता है ना, वो इनटेक कर लेता, मतलब इंडिजेस्ट खा लेता है, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जो अंदर का मटेरियल होता है ना सेल का, वो इनटेक कर लेता है, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्लियर एंडोसाइटोसिस? अभी यस मैम। द इनटेक ऑफ मटेरियल बाय द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट, एंडोसाइटोसिस आगे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फेगो PHAGO, फेगो, साइटोसिस CYTO SIS, ठीक है? दूसरा पॉइंट है इसको पिनो, PINO, पिनो CYTO SIS, पिनोसाइटोसिस, ठीक है? फर्स्ट मैं एलेबोरेट कर रही हूँ फेगोसाइटोसिस क्या होता है। द इनटेक ऑफ सॉलिड फ्रॉम कार्ड फेगोसाइटोसिस। जो सॉलिड सॉलिड मतलब के मटेरियल को खा लेता है ना, सॉलिड जो होता है। द इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल फ्रॉम कार्ड फेगोसाइटोसिस बोलते हैं इसको। जो पिनोसाइटोसिस होता है वो लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल होता है उसको इनटेक आउट कर लेता है, उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। क्लियर देन नाउ? मैम पिनो, हाँ सेकेंड बता, जी, पिनो स्टेटस बताना। पिनो बच्चों जो लिक्विड फॉर्म में मटेरियल होता है ना उसको इनटेक आउट कर लेते हैं, खा लेते हैं मतलब। तो जो फर्स्ट वाला होता है सॉलिड फॉर्म में इनटेक करते हैं मटेरियल को, उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। एंड द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल फ्रॉम कार्ड ऑफ पिनोसाइटोसिस, ठीक है? फर्स्ट सॉलिड फॉर्म में उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। दूसरा जो इनहेल करता है, इनटेक करता है लिक्विड फॉर्म में, उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ऑल ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या है यस और वो मैम। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? यस मैम। यस एंडोसाइटोसिस बताओ बच्चे मुझे। द इनटेक ऑफ मटेरियल बाय द सेल। वेरी गुड। हाँ डिवाइड इन एंडोसाइटोसिस, टू पार्ट, फेगोसाइट हाँ जी, कौन कौन से टू पार्ट? हाँ जी और हाँ जी फेगोसाइटोसिस। वेरी गुड। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? ये सॉलिड इनटेक ऑफ सॉलिड सॉलिड मटेरियल मटेरियल इनहेल वेरी करता गुड है, वेरी और गुड। पिनो में इट इन इंटैक्ट बाय लिक्विड मटेरियल में इनहेल करता है। वेरी गुड। और सेल सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या क्या करती है, कहाँ पे होती है और क्या आउटर किसको लेयर में प्रोटेक्ट होती करती है, है? इट इज द आउटर हाँ लिमिटेड लेयर वेरी विच इज गुड वेरी कॉल्ड गुड सेल मेम्ब्रेन। इट वेरी प्रोटेक्ट द गुड। सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम फ्रॉम द आउटर एक्सटर्नल, इंजरी, नहीं बच्ची, एक्सटर्नल इंजरी, जो बाहर, एक्सटर्नल हाँ इंजरी। एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को, इट इज ठीक? सिलेक्ट परमेबल हाँ मेम्ब्रेन। वेरी गुड। क्लियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइटोस्केल्टन, ठीक है? साइटोस्केल्टन्स के आगे पार्ट भी काफी हैं, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट जैसे माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, थर्ड पॉइंट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स,
फोर्थ पॉइंट इज माइक्रो ट्यूबुलर ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये क्या होता है, फर्स्ट सुनो कि साइटोस्केलेटन होता क्या है। द सेल इंटरनली कंटेन सर्टेन स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट टू द सेल बाय फॉर्मिंग स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, ठीक है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, जो सेल इंटरनली होता है, अंदर वाली साइड, इंटरनली मीन्स अंदर, और एक्सटर्नली मीन्स जो बाहर वाला पार्ट, आउटर वाला होता है। इंटरनली मीन्स इनर एंड एक्सटर्नली मीन आउटर वाला, ठीक है। जे सेल की बात कर रही हूँ, दी सेल इंटरनली कंटेन सर्टेन स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट टू दी सेल, ठीक है। साइटोस्केलेटन वो होता है जो सेल की जो इंटरनल पार्ट होता है ना, उसको सपोर्ट करता है सेल के, ठीक है। विच प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट टू दी सेल, ये सेल को इंटरनली सपोर्ट करता है, जो साइटोस्केलेटन होता है ना, ठीक है। ये विच प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट टू दी सेल को इंटरनली सपोर्ट करता है, ठीक है, बाय फॉर्मिंग स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। नेक्स्ट, इसके स्ट्रक्चर जो है इंक्लूड किए गए हैं आगे, जो मैंने अभी बताए हैं, जो इनको पार्ट में डिवाइड किया है। सब सब फर्स्ट पॉइंट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकेंड इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। थर्ड इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, फोर्थ इज माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनेल्स। क्लियर फोर्थ पॉइंट, फोर पॉइंट है इसके। और साइटोस्केलेटन होता क्या है, मैम द सेल इंटरनल कनेक्टिव, हाँ जी, वेरी गुड, जो प्रोवाइड इंटरनली सपोर्ट करता है सेल को, इंटरनली सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। क्लियर, यस मैम। मैम सेकंड क्या इसका, वो क्या बच्चे? हाँ एक हाँ मैं बोलती माइक्रोट्यूब्स, बोलती बोलती दोबारा रिपीट आउट करती हूँ मैं बच्चे। फर्स्ट पॉइंट है माइक्रोफिलामेंट, FILAMENTS, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स। दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स, MICRO, MICROTUBULES, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है माइक्रो ट्यूबुलर ऑर्गेनेल्स, ORGANELLES, ठीक है। ये उसके फोर पॉइंट्स है इंक्लूड किए गए हैं। क्लियर इतना? यस मैम। ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, यस मैम। फोर्थ क्या बताइए ना, हाँ जी बच्चे, माइक्रो ट्यूबुलर ऑर्गेनाइज। हाँ लास्ट वाला पूछ रहे हो, हाँ माइक्रो ट्यूबुलर ऑर्गेनेल्स ऑर्गेना, आ जाएगा थोड़ी थोड़ी, अभी आपको टाइम लगेगा ना बोलने में भी। यस मैम, ऑर्गेनेल्स बच्चे, ऑर्गेनाइज। हाँ जैसे ऑर्गन होते, पार्ट होते ना, ऑर्गन स्किन अलग 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 पार्ट है हमारा बॉडी, अलग है ऑर्गन्स, अलग ऑर्गेनेल्स। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट करवाऊं, लेबोरेट माइक्रोफिलामेंट, यस मैम, यस फर्स्ट मैम। एलेबोरेट करवा रही हूँ मैं बच्चे। माइक्रोफिलामेंट, दीज आर रोड लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मोबिलिटी, ठीक है। ये माइक्रोफिलामेंट में कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर एक रोड लाइक होती है स्ट्रक्चर, ठीक है, ROD, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जी, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी साइटोप्लाज्म में। एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेल को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब सेल को मूव करने में हेल्प करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माइक्रोफिलामेंट की। ये रॉड स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, माइक्रोप्लाज्म, हाँ। एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेल को मूव सेल कर, हाँ मोबिलिटी। हाँ सेल मोबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मोबिलिटी। क्लियर, माइक्रोफिलामेंट। यस मैम। नेक्स्ट, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रोफिलामेंट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये बता रही हूँ अभी। दीज आर लॉन्ग, ये लॉन्ग होता है, ठीक है, थिन होता है, सिलेंड्रिकल रॉड्स हूज डायमीटर रेंज फ्रॉम, इसकी डायमीटर की रेंज 6 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर होती है,
ठीक है, एक्टिन इज ए मेजर प्रोटीन विच फॉर्म अ बैकबोन ऑफ माइक्रोफिलामेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसा होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है, थिन होता है, सिलेंड्रिकल। इसकी रॉड जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, RODES रॉड्स, ठीक है, सिलेंड्रिकल होती है। और इसका डायमीटर रेंज कितनी होती है, 6 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर तक की इसका डायमीटर की रेंज होती है, ठीक है, क्लियर? डायमीटर रेंज कितनी होती है इनकी? 6 नैनोमीटर। हाँ, 6 to 10 तक ये इसका डायमीटर की रेंज होती है, क्लियर? इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लॉन्ग होती है, थिन होती है, सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल रोड, ठीक है, एंड डायमीटर रेंज इसकी 6 to 10 नैनोमीटर होती है, ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट, इसके बच्चे फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, माइक्रो फिलामेंट्स का क्या होगा काम आपके अकॉर्डिंग? पता नहीं। नहीं पता, अभी तो बताया जी, सेल मोबिलिटी में नेसेसरी होता यस है, मैम। यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस क्या होता है, पीछे बताया बच्चे मैंने, एंडोसाइटोसिस में ड्यू तो पूछ नहीं रही आपसे। इंटेक ऑफ एक्सटर्नली मटेरियल। वेरी गुड, ठीक है, मटेरियल। हाँ, ये इसका यही काम है बस, माइक्रोफिलामेंट का, कि जे नेसेसरी होता है फॉर ऑल दी सेल मोबिलिटी में, ठीक है, ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस के टाइम, क्लियर? यस यस मैम। यही इसका काम है, यही फंक्शन है इसका। बस 5 मिनट ही ला लेंगे। 5 मिनट, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट इज द माइक्रो ट्यूब्यूल्स। माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या है, दीज आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, आइदर फ्री इन द साइटोप्लाज्म और द पार्ट्स ऑफ द सर्टेन फेजल एंसिलिया। ठीक है, जो पढ़े हुए हैं आपने पहले पीछे, यूकैरियोटिक सेल्स पढ़े हुए हैं ना, यस यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पढ़ा हुआ ना पहले, आपने जी लर्न जी किया यस ना पीछे, स्टडी किया मैम। हुआ है, यस मैम। ठीक है, बस उसके यस बारे मैम। में यही है, उसमें ही होता है जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स, वहां से ही फाउंड आउट होता है, ठीक है। दीज आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, आइदर फ्री इन द साइटोप्लाज्म में होता है, या कह सकते हो इसको और द पार्ट्स ऑफ सर्टेन, जैसे इसके फैजला, सिलिया, क्लियर? तो इसका जो ट्यूब्यूल्स का डायमीटर होता है 2.5 नैनोमीटर होता है डायमीटर, क्लियर? ये कहाँ पे फाउंड आउट होता है हमें, माइक्रो ट्यूब्यूल्स यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक यस है, हाँ, और फ्री मैम। फ्री इन द साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, जो दूसरा कह सकते हो आप नेक्स्ट, और जहाँ करके और द पार्ट्स ऑफ सर्टेन फेजाले एंसिलिया में होते हैं जो प्रेजेंट माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है, एंड ये ट्यूब्यूल्स जो होते हैं इनका डायमीटर 2.5 नैनोमीटर होता है, क्लियर? यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट, इसका बच्चे फंक्शंस क्या क्या है, ये हेल्प करता है सिलरी एंड फजैले की मूवमेंट में, जो जो सिलरी और फजैले होता है ना उसकी मूवमेंट में जो हेल्प करता है माइक्रो ट्यूब्यूल्स, क्लियर? इट गिव्स राइज टू मैनी सेल ऑर्गेनेल्स लाइक जैसे सिलिया, फजैले, सेंट्रोल, जो आप पीछे पढ़ के आए हो, ठीक है, सारे उसमें हेल्प करता है, क्लियर? इट प्ले द मैकेनिकल रोल ड्यूरिंग डिफरेंशिएट इन मेंटेन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल, ठीक है, ये सेल को सपोर्ट करता है, क्लियर? ये सेल को सपोर्ट करता है, ठीक है, इंटरनली जो सपोर्ट करता है वो सेल को सपोर्ट करता है, एंड ये हेल्प करता है सिलरी एंड फैजले की मूवमेंट में, ठीक है, चलने में हेल्प करता है उनकी, क्लियर? क्लियर नेक्स्ट, मैं आपको बच्चे कल करवाऊंगी एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है, डिफरेंशिएट करवाऊंगी इसमें क्या क्या एक्टिव और क्या होता है और डिफरेंशिएट पैसिव में क्या है, क्लियर?
पहला मैंने करवाया आपको, आज फंक्शन करवा रही हूँ उसके, मतलब साइटोस्केल्टन करवाया। साइटोस्केल्टन के अंडर ही जो पॉइंट करवाए, माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शन स्ट्रक्चर्स क्या है उसकी, क्लियर। साइटोस्केल्टन क्या है, जो सेल इंटरनली कंटेन सर्टन स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड, जो इंटरनली सपोर्ट करता है हमारे सेल को, ठीक है। इंटरनली सपोर्ट टू दी सेल इज द साइटोस्केल्टन, क्लियर। नेक्स्ट उसके आगे पॉइंट डिवाइड किए गए हैं स्ट्रक्चर्स के, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनेल्स, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट की स्ट्रक्चर्स कैसी कैसी होती है, ये लॉन्ग होता है, थीन होता है, सिलेंड्रिकल रोड होता है, इसका डायमीटर रेंज जो होती है 6 to 10 नैनोमीटर्स होती है, और इसका काम क्या है, फंक्शंस क्या है, प्ले चीफ रोल इन द साइक्लोसिस एंड एसेसरी होता है जो सेल मोबिलिटी में ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस के टाइम पे, इसका काम होता है, नेसेसरी होता है जो सेल मोबिलिटी में, ठीक है, ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस के टाइम। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया माइक्रोट्यूब्यूल्स जो फाउंड आउट होते हैं हमें यूकैरियोटिक सेल में, क्लियर, और इसका डायमीटर्स कितना होता है, 2.5 नैनोमीटर्स, क्लियर। यस मैम। नेक्स्ट इसके फंक्शन बताए मैंने, ये हेल्प करता है सिलरी एंड फैजाइले मूवमेंट में, क्लियर। क्लियर मैम। यस मैम। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेल को, प्रोवाइड सपोर्ट टू दी सेल, ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, क्लियर। इतना लर्न करना यस आपने, मैम। इतने में आपको यस नोट्स मैम। भेज दूंगी आज बच्चे, ठीक है। यस मैम। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आपका टाइम अभी तो है 5 मिनट, बट आपका टाइम कल ले लूँगी ज़्यादा, ठीक है। अभी आप इतना